पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की अहम बैठक जारी है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप और विजन पर आज हो रही है चर्चा। कल से 4 दिनों तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की महारैली, जन विश्वास रैली में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी। सीएम केजरीवाल का पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन, व्यापारियों से करेंगे मुलाकात, लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस का करेंगे उद्घाटन। आज बंगाल पहुंचेगी निर्वाचन आयोग की टीम, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जाएगी समीक्षा। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर आज होगा बड़ा ऐलान, दिल्ली मार्च पर हो सकता है फैसला। लुधियाना में किसान संगठनों की बैठक में आंदोलन के मुद्दों के समाधान के लिए एसकेएम ने सौंपा प्रस्ताव, बैठक में किसानों के 2 संगठनों के बीच मतभेद का खुलासा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 16 राज्यों के साथ 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 49 नए चेहरे, 41 मौजूदा सांसदों के कटे टिकट, दिल्ली के 5 में से 4 सिटिंग प्रत्याशी बदले गए। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला, बोले भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी, अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है नीतियां। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से बनाया गया उम्मीदवार, रमाकांत भार्गव की जगह मिला टिकट। तीसरी बार टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, कहा मैंने पहले 5 वर्षों में कई काम किए, दूसरे में और भी बेहतर किया, अब मुझे बहुत सारे काम करने हैं। प्रवेश वर्मा ने कमलजीत सहरावत को टिकट मिलने पर बधाई दी है, कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है, दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को मौका, मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनने पर बोले मनोज तिवारी, पार्टी ने दिखाया विश्वास, खरा उतरने की करेंगे कोशिश। बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस का निशाना, पवन खेड़ा बोले कि बीजेपी को लग रहा मोदी मैजिक फीका पड़ा, मीनाक्षी लेखी साध्वी प्रज्ञा का टिकट क्यों काटा गया। बीजेपी की लिस्ट में पवन सिंह समेत 4 भोजपुरी स्टार को मौका, नाम का ऐलान होते वक्त उत्साहित दिखे पवन सिंह, पवन सिंह समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नफे सिंह हत्याकांड में अपडेट यह है कि 4 शूटरों के गुवाहाटी में छिपे होने की आशंका है, गुवाहाटी से विदेश भागने की फिराक में हत्यारे। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत। दिल्ली के बदरपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल। मुंबई पोर्ट पर पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज को रोका गया, परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मटेरियल भेजा जा रहा था, डीआरडीओ की एक टीम ने खेप की जांच की है, जब्त किया गया कार्गो शिप। अनंत अंबानी राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में सितारों का लगा जमावड़ा, सुहाना खान, नव्या नवेली नंदा, इसके अलावा सारा तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने पोज दिए। कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाशों को लगी गोली, बच्चा बरामद। हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, मंडोल गांव में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी हिमस्खलन से फंसे ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया है, 7 स्थानीय ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाया गया है।